स्ट्रेटिफिकेशन कास्ट सिस्टम व्हाट्स द मीनिंग ऑफ दिस टर्म दैट एवरी सोसाइटी इज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ सम फैक्टर्स। कोई भी माशरा हो दुनिया के अंदर कदीम माशरों से लेकर आज तक हर जगह पर कुछ ऐसे अवामिल हमेशा अपना किरदार सर अंजाम देते रहे हैं जिसकी वजह से माशरों में तकसीम वाज तौर पर नज़र आई कहीं पर यह तकसीम ज़्यादा वाज है और कहीं पर हमें नज़र आता है कि कभी कोई फैक्टर ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर लेता है और कभी कहीं पर कोई फैक्टर दीज फैक्टर्स कैन बी कैटेगर ऑन एक्नॉमिक क्लास दैन एथनिक एंड रिलीजियस बेस अब ये चारों वो अवा हैं जिनके बगैर किसी भी इंसान की ज़िंदगी जो है वो मुकम्मल नहीं होती मसला अगर पहली बात इकनॉमिक की की जाए तो हर फर्द जो है उसका एक इकनॉमिक स्टेटस होता है उसकी एक क्लास होती है चाहे वो किसी अपर क्लास से है यानी वो किसी ऐसे रोज़गार से वस्ता है जहाँ उसके पास आमदनी ज़्यादा है या उसका रोज़गार ऐसा है जहाँ उसके लिए मौाक़े कम थे उसकी तालीम कम थी इस वजह से उसकी तनख्वाह कम हो सकती है लेकिन माशी जो तकसीम है मौशी लिहाज से जो तकसीम है ज़राए के एतबार से जो तकसीम है ये हर मुशरे को तकसीम करने का अहम तरीन फैक्टर है फिर इसके साथ साथ अगर हम देखें क्लास की बात होती है अब क्लास से क्या मुराद ली जाती है क्लास में पहली बात तो अगेन जो आएगी वो है मौशी लिहाज से तकसीम फिर उसके साथ साथ क्लास कैसे डिज़ाइन होती है जैसे मगरबी माशरों के अंदर नेचर ऑफ़ जॉब के लिहाज से क्लास सिस्टम जो है वहाँ डिज़ाइन होता है कि आप किस प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखते हैं अगर आपकी जॉब स्किल्ड है अगर आप किसी प्रोफेशनल जॉब से मुताल हैं या आपके पास कोई हुनर है और या आपका काम की नेचर ऐसी है जिसका माशरे में तो नाम नहीं है लेकिन आपकी ड्यूटी बहुत अहम है तो आपके फरज़ की नौीय से आपकी नेचर ऑफ़ रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिहाज से आपको क्लास के साथ लिंक कर दिया जाता है ऐसे ही माशरों के अंदर जो एथनिक इशू है यानी आप किस कबीले से हैं क्या आप एक ज़ुबान बोलते हैं आपकी रेस क्या है आप किस नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं ये बहुत सारे फैक्टर हैं जो अगेन माशरों के अंदर तकसीम की वजह बनते हैं फिर कुछ माशरों के अंदर जो रिलीजियस बेस होती हैं वो भी माशरों में तकसीम की एक अहम वजह बन जाते हैं मसलन कहीं पर कोई एक मजहब जो है उसके मानने वाले उसके पैरोकार ज़्यादा तादाद में है मेजॉरिटी है और किसी दूसरे मजहब के मानने वाले अफराद जो हैं उनका नंबर कम है उनकी तादाद कम है तो उन, उनके दरमियान भी तकसीम या तफरीक जो है वो आ जाती है दैन इनकम स्टेटस एंड आइडेंटिटी इज़ ऑल्सो लिंक्ड विद दिस डिबेट टू मैंने पहले बात की है कि जो इनकम है आपके जराए आमदनी क्या हैं और इनकम की अमाउंट क्या है फिर एक और जो ख़ास पहलू है माशरों के अंदर स्टेटिफिकेसन या क्लास सिस्टम का वो स्टेटस की डिबेट है स्टेटस से क्या मुराद ली जाएगी यानी किसके पास स्टेटस सिंबल्स ज़्यादा हैं ये सिर्फ हमारे जैसे तरक्की पजीर मुल्कों के अंदर ये डिबेट नहीं है ये इवन वेस्ट के अंदर भी डिबेट है और कुछ सिंबल्स डिटर्मन कर लिए जाते हैं जिसके पास सिंबल्स के रिफ्लेक्शन ज़्यादा है यानी आपका घर किस लोकेलेटी में है आप कौन से ब्रांड की चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं आपकी गाड़ी कौन सी है ये सब ऐसे सिंबल्स जिससे अफराद की शख्सियत का ताल्लुक नहीं होता लेकिन उसके ज़ाहरी पन का ताल्लुक होता है इसकी बुनियाद पर भी माशरों के अंदर जो तकसीम है वो ना सिर्फ मौजूद है बल्कि बाज़ात इसकी बुनियाद पर ऐसा सिस्टम वजूद में आ जाता है कि अफराद इस स्टेटस के हसूल के लिए जायज़ और नाजायज तरीक़ों से अपनी ना सिर्फ दौलत में इजाफे की कोशिश करते हैं बल्कि बाज़ अवत तो ऐसा भी होता है कि ये बिल आखिर इस लेवल तक ये स्टेटिफिकेशन पहुँच जाती है स्टेटस कॉन्शियस लोग इतने हो जाते हैं कि वो अपने से कम स्टेटस सिंबल वाले लोगों से मेल जोल भी पसंद नहीं करते और बाज़त तो इसका इंफ्लुंस इतना ज़्यादा होता है कि ख़ानदानों के अंदर भी तकसीम जो है वो हमें नज़र आती है सो so, स्टेटिफिकेसन काजेज़ डवीज़न विद इन द सोशल फैब्रिक कोई भी मुशरा जिसकी यकजहती उसकी ताकत होती है बात ये सोशल स्ट्रेटिफिकेशन या क्लास सिस्टम की बुनियाद पर इतना तकसीम दर तकसीम हो जाता है कि वो यकजहती की बजाय तफरीक का तकसीम का शिकार हो जाता है और एक दूसरे के साथ इस हद तक मुकाबला बाज़ी शुरू हो जाती है खास तौर पर वो क्लासेस जो थोड़ी नीचे होती हैं उनके अंदर जो एहसास महरूमी पैदा होता है उसकी बुनियाद पर फिर वो जायज़ नाजायज़ तरीक़ों से भी बाज़ात अपने से ऊपर वाली क्लास के साथ मुकाबला करने की खातिर अपने आप को मुश्किल में डाल देते हैं और बाज़ जो अपर क्लास होती है वो अपने से नीचे वालों को इतना हकीर समझते हैं कि वो इंसानियत की बजाय इन सिंबल्स की अहमियत पर ज़्यादा फोकस करना शुरू कर देते हैं सो सिस्टम्स ट्राई टू मैनेज दिस इशू बट सोसाइटी फेस दिस रियलिटी हालांकि हर निज़ाम की ये ज़िम्मेदारी होती है कि वो इस इसती तफावत को दूर करने की कोशिश करे लेकिन ये एक हकीकत है और माशरों को इस हकीकत का सामना जो है वो करना पड़ता है